दोस्तों मालदीव्स एशिया की स्मॉलेस्ट कंट्री जिसका लैंड एरिया 298 किलोमीटर पर स्क्वायर है जो भारत से करीब 11,000 गुना छोटा है पर आज चीन के इन्फ्लुएंस में आकर भारत को चुनौती दे रहा है। पिछले हफ्ते मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने भारत को 15 मार्च तक मालदीव से अपने सारे सैनिकों को वापस लेने को भी कहा है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। इससे पहले दिसंबर में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम में मोइज़ू ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा था कि भारत सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमत हो गया है, लेकिन भारत ने उस समय इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। के मुताबिक मालदीव में फिलहाल 88 भारतीय सैनिक हैं। दोस्तों यह अनाउंसमेंट मोइज़ू ने अपनी 5 दिवसीय चीन यात्रा के बाद की जो कि 8 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में हुई थी। इसी चीन यात्रा के बाद मोइज़ू ने भारत की ओर फिर से इशारा करते हुए कहा था कि मालदीव छोटा हो सकता है पर उसे परेशान नहीं किया जाएगा, हिंद महासागर किसी एक देश का नहीं है। दरअसल दोनों देशों के बीच तनाव तब बढ़ने लगे जब कुछ ही दिनों पहले मोइज़ू सरकार के कुछ मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणियां की गई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वर्ड ऑफ वॉर छिड़ गया था और बायकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा था। मालदीव सरकार ने तीनों मंत्रियों को पद से हटा तो दिया पर इसका इम्पैक्ट मालदीव की टूरिज्म इकोनॉमी को झेलना पड़ेगा। इस इंसिडेंट के बाद कई भारतीय पर्यटकों ने 8,000 से अधिक होटल बुकिंग्स और 2,500 फ्लाइट बुकिंग्स को कैंसिल तक कर दिए। इज माई ट्रिप के सीईओ निशांत पेट्टी ने मालदीव के लिए सभी फ्लाइट बुकिंग्स को सस्पेंड तक कर दिया और डोमेस्टिक डेस्टिनेशन को प्रमोट करने के लिए विजिट लक्षद्वीप कैंपेन भी चलाया। इसके बाद कई सेलिब्रिटीज भी सपोर्ट में आए। टाटा ने 2 बड़े होटल रिजॉर्ट लक्षद्वीप में ओपन करने की अनाउंसमेंट तक कर दी। इसराइल ने डिसैलिनेशन प्रोग्राम शुरू करने की बात की। दोस्तों ये हम सभी जानते हैं मालदीव की इकोनॉमी मुख्य रूप से टूरिज्म पर डिपेंडेंट है और इसमें एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन भारतीय देते हैं जो कि मालदीव के लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स है। टूरिज्म मालदीव के जीडीपी का 25% हिस्सा है। इसके अलावा मालदीव के लोगों के लिए रोजगार का भी एक बड़ा आधार है। दोस्तों दूसरी तरफ मालदीव भी भारत के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है। मालदीव भारत के बिल्कुल पास में है। लक्षद्वीप से मालदीव करीब 700 किलोमीटर और भारत के मैन लैंड से 1200 किलोमीटर दूर है। इंडियन ओशन में मालदीव जहां पर है वह जगह स्ट्रेटेजिक रूप से बेहद अहम मानी जाती है। खाड़ी देशों के तेल लाने वाले जहाज यहीं से होकर गुजरते हैं। मालदीव में मौजूदगी से भारत को इंडियन ओशन के एक प्रमुख हिस्से पर नजर रखने की क्षमता भी मिलती है। अगर वहाँ चीन अपने पैर जमाता है तो भारत के लिए चिंतित होना लाजमी है। अगर मालदीव भारत से दूर होता है तो साउथ एशिया के बाकी देशों में भी चीन का प्रभाव बढ़ेगा। दोस्तों मालदीव की पिछली सरकार में राष्ट्रपति रहे इब्राहिम सोलिह ने इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी का पालन किया था जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना था। जब इब्राहिम सोलिह सत्ता में थे तब मोहम्मद मोइज़ू की विपक्ष पार्टी ने राष्ट्रपति की इंडिया फर्स्ट नीति का मुकाबला करने के लिए इंडिया आउट कैंपेन किया था। मोइज़ू ने अपना राष्ट्रपति चुनाव इंडिया आउट कैंपेन के दम पर ही जीता था। कुल मिलाकर अब इंडिया आउट अभियान चलाने वाली पार्टी सत्ता में है और तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।